हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम क्रिएट करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लुक, जिसमें आप सीखेंगे कि कोई भी जिनकी बहुत फेयर स्किन हो उनमें डार्क कलर्स कैसे यूज़ किए जाते हैं। एंड ये लुक होगी कंप्लीट विद अ कॉकटेल एंड मॉडर्न टच। सो कॉकटेल इवेंट के लिए हम इनको रेडी कर रहे हैं एंड ओवरऑल मेकअप लुक काफ़ी मॉडर्न रहेगी। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं इनकी जो अंडर आइज है वो थोड़ी ब्लू पर्पल है, वो ब्राउन नहीं है जैसे जनरली लगती हैं। एंड उसको हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको न्यूट्रलाइज करें, तो मैंने उनकी जो पिगमेंटेड एरियाज हैं उनको कैंसिल आउट किया है थोड़ा सा ऑरेंज ब्राउन लेके। जो भी आप कलर करेक्टर यूज़ करते हो उसमें अंडरटोन्स होते हैं तो वो हेल्प करते हैं जो नीचे वाला कलर है स्किन का उसको कैंसिल करने में। फिर ऊपर से मैंने कवरेज दी एंड धीरे धीरे कॉन्टोरिंग। आजकल मैंने कॉन्टोरिंग का एक नया तरीका शुरू किया है जिसमें मैं वर्टिकल कॉन्टोरिंग करती हूँ, जिसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो इनके फेस के हिसाब से, जो कि इनकी स्किन बहुत ही फेयर थी, अगर मैं इतना ज़्यादा वाइट रखती तो इनका फेस फ्लैशबैक करता, फोटोज एंड वीडियोज में बहुत ऑड लगता है। तो आपको बहुत केयरफुली फाउंडेशन शेड यूज़ करना होता है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने फाउंडेशन में वाइट ऐड करते हैं। फिर हमने मेकअप सेट करने के बाद एक ब्लैक बेस यूज़ किया आईज़ के लिए। अब ये ब्लैक बेस की ट्रांसलूसेंसी अच्छी है, ये जेल लाइनर की तरह नहीं है, तो इसको ब्लेंड करने पे ये ब्लैक फैलेगा नहीं, ये थोड़ा ग्रेश हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी टेक्निक है और अच्छा प्रोडक्ट है यूज़ करने को जब कोई बहुत ही फेयर स्किन के साथ होता है एंड हमें उनको स्मोकी आईज देनी होती है। फिर हम ब्लैक आई शेडो मिक्स्ड विद ग्रे से इस ही आई शेडो को और इंटेंस कर देंगे, तो वो जो ब्लैक बेस हमने अप्लाई किया है उसको इंटेंस कर देंगे। फिर आपकी चॉइस है अगर आपको कोई पिगमेंट्स लगाने हैं ऊपर से जैसे मैंने किया है, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली लुक को थोड़ा एनहांस करना है, थोड़ा क्रिएटिव दिखाना है, तो मैंने ऊपर से ग्रीन पिगमेंट्स और इनर कॉर्नर्स में पिंक होलोग्राफिक फॉइल्स। होलोग्राफिक वो होता है जिसके डुअल शेड्स होते हैं, वो अलग लाइटिंग में अलग कलर इफेक्ट करते हैं। देन विंग लाइनर देके एंड हल्की सी लैशेस लगा के हमने आई मेकअप कंप्लीट किया। लिप्स के लिए, क्योंकि इनकी लिप्स की शेप अगर हम बहुत ज़्यादा डिफाइन करते ये थोड़ी मेच्योर लगती, और इनकी ओवरऑल फेस के जो फीचर्स हैं वो सारे जिन पे हमने वर्क किया है उनकी जो एनहांसमेंट है वो कट हो जाती और ये थोड़ी सी ज़्यादा ओल्ड लगती। सो बहुत ज़रूरी है कि हम हर तरीके में फेस को एनहांस रखें और ज़्यादा हार्श ना करें। सो इनकी लिप्स के लिए मैंने सबसे पहले लिप लाइनर को ब्लेंड किया सॉफ्टली एंड लिपस्टिक भी मैंने बहुत सॉफ्टली अप्लाई की तो ज़्यादा ऑड ना लगे। फिर जब हमने बहुत सारा हाइलाइटर लगा के मेकअप को सेट कर दिया, उनका मेकअप कुछ ऐसे लग रहा था। मैंने काजल भी अप्लाई किया और उसको लोअर लैश में अच्छे से ब्लेंड कर दिया। और यही सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की अपने स्टूडेंट्स के साथ और हमारी फाइनल लुक कुछ ऐसे निकल के आई। तो आप देख सकते हैं इनकी स्किन बहुत ही रिफ्लेक्टिव और बहुत ही नेचुरल लग रही है, ऑल दो हमने फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ किया है। उनका लिप शेड एंड आई शेड्स बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और उन पे ऑड नहीं लग रहे हैं, ऑल दो इनका स्किन बहुत ही फेयर है। एंड आप देख सकते हैं ऑल दो हमने डार्क आई मेकअप किया है वो डार्क नहीं लग रहा है। अगर आपको ये लुक पसंद आई हो और आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो, ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें।